Very good afternoon, guys. Welcome back, all of you, to An Academy, India's largest online education portal, without any doubt. Okay, so let's go with the session today. And before proceeding, let's just go ahead with the doubts and all. तो काफी लोगों के जो है काफी doubts आ रहे थे पिछली classes को लेकर कि sir कुछ पीला देवड़ा से समझ में नहीं आया, कुछ जगमोहन से समझ में नहीं आया. So guys, you are just absolutely free to go ahead with the doubts first of all. And just please give me the confirmation. मेरा audio video सब clear है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है. Is guys all sorted? Everyone? चलो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, वालेकुम अस्सलाम सभी लोगों को. Yes guys, any doubts from the previous class? कोई भी XYZ doubt है previous class से, क्योंकि मुझे सुनने में आया है आप लोगों ने, काफी लोगों ने message किया है कि sir समझ में नहीं आया था कलिंगा आर्किटेक्चर से लेकर, कुछ लोगों का doubt आ रहा था. So can you please give me the confirmation? Doubt अभी भी है, clear है? Well, I tried my best to clear all of your doubts, but still if there is any issue, just please do let me know immediately. तुरंत बताएं. No sir, no doubt, everything okay. तो लगता है doubt वाले लोग अभी गायब हैं फिर. चलो बहुत अच्छी बात है यार, everything okay, that's perfectly fine. Okay, चलो audible sir, yes, good afternoon everyone. Okay guys, so let's go ahead with the chapter in the Indian temple architecture. तो अब तक हम लोग कैसा अपने central India temples देखा हमने, North India temple देखा, that is Dravida architecture, Nagada architecture. तो उसके अंदर हमने central, western और eastern temples की बात करी थी, right? तो अब हम आगे चल रहे हैं अपने एक दूसरे temple architecture की तरफ. याद रखना, central, eastern और western temples के बाद अभी भी उसमें बहुत सारे temples हैं हमें जो समझने हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल द हिल टेम्पल्स एंड ऑल. बट आई डिसाइडेड कि यार चीजों को ना मोनोटोनस नहीं रखते हैं, काफी एक तरीके का एक एक सेशन जब चलने लगता है तो काफी थोड़ा सा ना वो दिमाग में ऐसा लगता है कि सर काफी मतलब अब मोनोटोनस हो रहा है, बोरिंग सा हो रहा है. तो कोई नहीं, हम बीच में एक जो है अलग टेम्पल को पढ़ लेते हैं, लाइक जैन टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट टेम्पल. तो अगली क्लासेस में हम वापस से जो है ईस्टर्न टेम्पल्स और हिल टेम्पल्स को कंटिन्यू कर लेंगे. ओके, सो मूविंग टू द न्यू टेम्पल सेगमेंट नाउ, that is the Buddhist temple architecture. Okay, अब guys आगे बढ़ने से पहले ना आपको एक चीज बता दूं, that this Buddhist temple architecture, okay, this Buddhist temple architecture is one of the favorite topics of UPSC. Buddhism और Jainism के ऊपर पिछले ना 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, तुम पिछले 50 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो. ओके, बुद्धिज्म और Jainism पर क्वेश्चन आता ही आता है. अब उसके बावजूद कुछ ऐसे महान स्टूडेंट्स हैं, मतलब यार ब्रिलियंट, हैट्स ऑफ टू दोस गाइस जो अभी भी उसका क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं. मतलब यूपीएससी ने तो तुम्हें कुछ चीजें बता दी हैं कि मुन्ना इस पर से तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक गंगा ब्रह्मपुत्र पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गंगा पे आए ना आए ब्रह्मपुत्र पे क्वेश्चन आएगा, ये पेमेंट प्रोसीजर पे, बैंकिंग सिस्टम पे क्वेश्चन आएगा, है ना, आर्ट एंड कल्चर में बुद्धिज्म और जैनिज्म पे क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से क्वेश्चन आएगा. तो ये चीजें तो यूपीएससी ने पिछले 50 सालों में 50 बार बोली हर साल, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत महान लोग हैं जो ये क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं. तो अब ऐसे लोगों को भाई दिल से सलाम, ऐसा मतलब एकदम कैसा है ना, 21 तोपों की सलाम एकदम अटेंशन में, ठीक है. तो अगर अभी भी आप नहीं समझ रहे हो तो यार देखो गलत कर रहे हो, और समझ रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है. गुड आफ्टरनून सर, जो आपकी इच्छा हमारी इच्छा तो यही है, आप लोग एग्जाम जो है मस्त क्वालिफाई करें, बढ़िया बढ़िया एकदम. ओके, देन आई विल बी ऑल्सो फेवरेट फॉर यूपीएससी, अनडाउटेडली यू गाइज विल बी फॉर श्योर. ओके, सो देखो कैसा सीन है ना, अब भाई अब हिस्ट्री में भी अगर आप लोग बात कर रहे हो तो एक क्वेश्चन गवर्नर जनरल है ना, वॉइस रॉयज वगैरह, इनके प्रोसीजर वर्किंग वगैरह पे आता ही आता है. तो 15-20 चीजें तो यूपीएससी ने आपको दे रखी हैं कि मुन्ना इससे क्वेश्चन 100% आएगा. मतलब कहने का मतलब है कि अगर 15 क्वेश्चन भी मान के चलते हो जिसका निश्चित है आना, तो भी 30 नंबर हो जाते हैं, बाकी के 70 नंबर की दौड़ और है बस यहां वहां करंट अफेयर से या बाकी कुछ दूसरे नॉन कन्वेंशनल पॉइंट्स से. अब उतना भी नहीं प्रिपरेशन करके ला पाओगे तो यार क्या है. देखो 30 नंबर तुमको यूपीएससी ने भर के झोली में दे रखा है, उन्होंने बोल रखा है ना सर आपने, हमने ऐसा कर नाज शरीफ गया कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, है ना, लौट कर मैं जाऊंगा ना खाली, तो ऐसा मतलब बोल दिया. तो उन्होंने झोली भर रखी है यार, हमें ऊपर से मिल रखा है पैगाम कि ये 15-20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कुछ नहीं तो 25-30 नंबर तो आपके फिक्स हैं, ठीक,
जो आएंगे ही आएंगे, उनका आना एकदम पक्का है, लेकिन अभी भी उसमें मतलब भाई भैया 21 तोपों की सलामी यहाँ पे हम चला नहीं सकते। तोप वो कैसा भी इंडिया है ना, ये अफगानिस्तान वगैरह है नहीं जहाँ पे तोप खुले हम चला दें। पैलेस्टीन में चल रहा है, मैं पैलेस्टीन वालों को इसराइल वालों को बोलूंगा कि भैया हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे उनके लिए जो है तोप वोप चलाया जाए, ठीक है, ये अभी भी ना सुधर रहे। ओके गॉट इट सर, मार्क्ड एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ठीक है। तो चलो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्किंग वाले को जरा हम लोग पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। सो बुद्धिस्ट टेम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग। सो द बुद्धिस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर इज रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं ऐसा पूछेंगे, सर बुद्धिस्ट टेम्पल किस पे बना है, मुझे नहीं पता। ऐसा बहुत सारे लोगों का मेरे पास ना ऐसा सवाल आता है, ऐसे मतलब क्या बताऊं। इसलिए यहां पे लिखा है बुद्धिस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर इज रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ, सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग बुद्धा एंड टेल्स एंड स्टोरीज एसोसिएटेड विद हिम, बोले तो जाटक। अब यहां पे लिखना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे महानुभाव लोग हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना कभी कभी, मतलब दिमाग में ऐसा कि क्या चल क्या रहा है दुनिया में, हम मतलब सच में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमारे साथ कुछ मजाक तो नहीं हो रहा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी 2-3 दिन पहले किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा कि सर IR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये IR हम लोग कर रहे हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अभी मैंने उसको अब क्या जवाब दूं मैं, मतलब आप मेरी जगह होते तो मैंने अभिषेक सर को वो फॉरवर्ड किया, मैंने कहा सर इसको जवाब दे देना। अब पता नहीं सर ने क्या जवाब दिया, पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन पूछा किसी ने कि सर ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एक दिन मुझसे कोई UPSC का फुल फॉर्म पूछ रहा था, सर क्या होगा ये, ठीक है। तो बस उन्हीं टाइप के लोगों के लिए यहां पर ये सवाल यहां पर लिख दिया गया है कि भैया डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ रिप्रेजेंटिंग दी जाटक टेल्स एंड ऑल दे आर रिप्रेजेंटेड इन दी बुद्धिस्ट टेम्पल्स। अशोका द मौर्यन किंग वॉज दी ग्रेटेस्ट पैट्रॉन ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ड्यूरिंग हिज रीन सेवरल स्तूपास एंड माउंट्स ऑफ ब्रिक्स कमेमोरेटिव ऑफ द बुद्धा वर कंस्ट्रक्टेड। द थ्री की एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इज स्तूपा, चैत्य एंड विहार। ओके, जब भी हम बात करेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की तो ये तीन चीजें हमारे पास होंगी, स्तूपा, चैत्य और विहार। हाउएवर अंडर मौर्यन रूल सेवरल पिलर्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड टू कमेमोरेट दी बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जब भी बात आएगी बुद्धिस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर की, खाली एक राजा का नाम लेना है। कौन है वो एक राजा? विदाउट एनी डाउट दैट्स अशोका द मौर्यन किंग। ओके, अब अशोका को हम कहते हैं ग्रेट। ओके, अशोका को हम कहते हैं द ग्रेट। ओके, अभी जो द ग्रेट है, ओ गॉड IR का फुल फॉर्म भी पूछा बहुत सारे लोगों ने पूछा, ठीक है। कई लोगों ने मुझसे जो है, मैं आपको बताऊं सिंपल वे में, IR का फुल फॉर्म, UPSC का फुल फॉर्म तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। कई लोगों ने ऐसा बताया कि सर हम जो है आपको लाइव नहीं देख पाते हैं, ठीक है, कई मतलब ऐसा कई लोगों का ऐसा आया, सर हम आपको लाइव नहीं देख पाते हैं, तो हमारा ये जो टाइम है इसके बाद आप वो लाइव इवेंट दोबारा प्ले करवा दोगे क्या, हम यानी क्लासेस मिस हो जाती हैं। मैंने उनको दिखाया बाद में, मैं कहा भाई रिकॉर्ड अपलोड हो जाता है आपको पता है? कहता नहीं सर मैं मिलती नहीं है, कहाँ ढूंढे? मैंने कहा यूट्यूब पे। तो कहते हैं सर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा या यूट्यूब की वेबसाइट से हो जाएगा? अब इतना मतलब मासूमियत भरा सवाल है ना कि सर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा कि वेबसाइट से सर्च हो जाएगा, हम गूगल पे सर्च कर लें तो नहीं मिल जाएगा हमें? अब ऐसा मासूमियत भरा कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, मुझे लगता है मैं डॉक्टर साहब को कॉल करूं, मैं कहा सर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, मेरे अभिषेक सर को मैं कॉल करूं, मैं कहा सर ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है इसका कुछ एक्सेप्शन था क्या, कुछ लोगों के मतलब कुछ ऐसा जेनेटिक्स में ऐसा है कि नहीं इवॉल्व नहीं हो सकता दिमाग वगैरह, ऐसा कुछ है क्या? अगर है तो मेरे को बताओ, मेरे को मिलना है एक बार, चार्ल्स डार्विन से भी मिलना है मेरे को। मैं कहा बताओ ये कैसे तुमने ये जीन जीनोम वाली बात करी थी कैसे, ठीक है। हाँ हंस लो ऐसा ही होता है, मुझे भी यही लगता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैंने भी यही सवाल किया जॉली LLB की तरह, कौन है ये लोग, कहां से मतलब क्यों आते, मतलब यहां से नहीं मतलब क्यों आते, मेरे को समझ में नहीं आता। चलो अब आते हैं तो आते हैं भाई, जाने दो। तो लिख लो अशोका द मौर्यन किंग। अब अशोका की आप जब भी बात करोगे तो आपको पता ही होगा दैट अशोका इज अ काइंड ऑफ, अशोका वॉज अ काइंड ऑफ अ रूलर, इसको हम कहते थे द ग्रेट। हिस्ट्री में तीन ही रूलर्स को बोला गया ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। अशोका द ग्रेट अगर आप देखोगे उनका एम्पायर का डाउनफॉल, तो वाई डिड अशोकन अशोकाज एम्पायर गॉट डाउनग्रेडेड,
why it faced the zone of downfall. Why? What was the reason? So only one reason. Ashoka Buddhism mein itna zyada involved ho gaya, religion, not any particular XYZ religion, but let's say just religion. उसमें ये इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि ये भूल गए कि मैं एक रिलीजियस इंसान होने के साथ साथ राजा भी हूं. गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑलवेज दैट यू हैव अ प्रोफेशनल एज वेल एज अ पर्सनल लाइफ. तो व्हेन यू आर इन योर पर्सनल स्पेस यू डू नॉट वर्क नॉट वरी अबाउट योर प्रोफेशनल स्पेस, बट व्हेन यू आर इन योर प्रोफेशनल स्पेस यू डू नॉट वरी अबाउट योर पर्सनल स्पेस एज वेल. ओके, लेकिन अशोका साहब ये बात भूल गए. उन्होंने अपने पर्सनल रिलीजन इज समथिंग विच इज वेरी पर्सनल थिंग, राइट. उन्होंने अपने पर्सनल स्पेस को इतना ज्यादा स्पेशियस बना दिया कि प्रोफेशनली वो भूल ही गए कि वो किंग है. हेंस एज अ रिजल्ट नेशनल ट्रेजर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और उसके बाद से पता नहीं कहां गायब हो गया, जो खुली आंखों से दिख ही नहीं रहा था, माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढना पड़ा था. हेंस एज अ रिजल्ट द अशोकास एम्पायर फेस्ड द जोन ऑफ डाउनफॉल. ओके, फेस्ड द एरा ऑफ फेस्ड द सो कॉल्ड होराइजन ऑफ डाउनफॉल, एंड हेंस एज अ रिजल्ट अशोका द ग्रेट का एम्पायर खत्म हो गया. तो आप समझ सकते हो कितना ग्रेट इनके इन्फेसिस होगा बुद्धिज्म की तरफ, कितना एक मतलब हाई लेवल ऑफ इनकी जो इंटेंसिटी होगी रिलीजन की तरफ कितनी ज्यादा होगी. सो अशोका द ग्रेट का एम्पायर खत्म हो जाता है. ठीक, तो अब ऑब्वियसली याद रखना कि बुद्धिज्म की जब भी बात आएगी, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड ऑल, ओके, सो इट विल बी ओनली एंड ओनली अशोका. ओके गाइज, ऑल क्लियर? बिकॉज आफ्टर द कलिंगा वॉर ही टोटली चेंज हिमसेल्फ एंड गेट हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन बुद्धिज्म एब्सोल्यूटली. ओके, पता चल गया हम सबको बहुत सारे नमूने हैं भाई दुनिया में. यूपीएससी ने लोगों को नहीं पागल बना दिया है, ये हैं ठीक है अलग लेवल के. इन फिलॉसफी ऑफ सेक्युलरिज्म सेज द ग्रेट अशोका वॉज सेक्युलर. सी, अशोका वॉज सेक्युलर, बट अशोका वॉज हैविंग हिज ओन माइंडसेट्स एज वेल. सी, सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है अभी शायद हमें वो क्लियर नहीं है. I am having one religion in my personal space is something. मेरे घर में, मेरे घर की चार दीवारों के अंदर कुरान शरीफ रखी है, आयतुल कुर्सी टंगी है, चलो वो एक बात है ठीक है. But when I am in the globe, when I am outside my personal space, okay, then at that time I have to respect each and every religion. That's secularism. सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं है कि मैं रोजे भी रखूंगा, मैं नवरात्रि के व्रत भी रखूंगा, मैं ईद भी मनाऊंगा, मैं बकरीद भी मनाऊंगा, दिवाली भी मनाऊंगा, होली भी मनाऊंगा, बैसाखी भी मनाऊंगा, क्रिसमस भी मनाऊंगा, ईस्टर भी मनाऊंगा. नहीं, सेक्युलरिज्म सिर्फ इतना नहीं है. सेक्युलरिज्म का यह भी मतलब है कि हाँ, मेरा अपना एक कोई चॉइस हो सकती, मेरी अपनी कोई एक पर्सनल रिलीजन हो सकता है, बट दैट डजंट मीन्स आई डू नॉट हैव टू रिस्पेक्ट एनी अदर रिलीजन्स. ओके, आई हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स इक्वली. That's known as secularism. Okay, now is it clear? Got it, guys? With the definition of secularism, fiscal deficit in Ashoka's time too much. Okay. Sorry, sir, being late. Khana kha rahe the. Koi baat nahi, yaar. What is the meaning of secularism in one sentence, sir? Respecting and understanding each and every religion. That's it. Respecting and understanding each and every religion. Welcoming every religion. Kahani khatam. Kuch nahi. Ek word. Welcome. Religion. Sabhi religion. Welcome. Kahani khatam. Take. So, abhi dekho yahan pe Buddhist temples ke baare mein kuch baat batai gayi hai. So, they are stupas, vihar, that is monasteries, chaitya, that is prayer halls. Then, which came to be, later came to be called as temples in some places. Then, stump, that pillars. Theek hai? So, stupa, vihar, चैत्य और स्तंभ, बोले तो खंबे. ओके, सो लेट्स सी नाउ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर. गाइस, प्लीज प्लीज 100% अटेंशन. दो मिनट के लिए ना कॉपी पेन जो ऐसे नीचे रख दो, ठीक, पेन छोड़ दो, और उसके बाद से कमेंट बॉक्स कुछ मिनटों के लिए बंद रखना, बिकॉज यू आर गोइंग टू डील विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर, बिकॉज एज आई सेड इट्स वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी. ठीक, तो जरा दो मिनट के लिए ना चैट बॉक्स प्लीज बंद कर दो. कोई यस सर, ओके सर भी कमेंट मत करना. जब कमेंट बॉक्स खोलने की बारी आएगी वापस से मैं आपको बोल दूंगा. अभी बंद कर दो, चैट ऑफ, पेन डाउन, एवरीथिंग. ओके, जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, द होल सिनेरियो. ठीक, सो देखो, ये है हमारा बुद्धिस्ट टेम्पल, ये है एक स्तूपा. ओके, दिस इज अ स्तूपा, एंड लेट्स सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन दिस स्तूपा.
जिस तरीके से हमने हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर के अंदर देखा है द्रविड़ा नगाड़ा ओके, या फिर उसके अंदर हमने देखा है शिखर विमन वगैरह, या फिर अपना अंतराल गर्भगृह, फिर उसके बाद से हमने देखा है कि भाई एक वहां पे प्लेटफॉर्म भी होता है जगती वगैरह, ठीक। तो फिर उसी तरीके से कॉम्पोनेंट्स के अंदर जब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर के भी कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं। सो लेट्स सी द कॉम्पोनेंट्स वन बाई वन। तो देखो जो सबसे बाहर वाला जो बाउंड्री है ओके, द आउटर मोस्ट बाउंड्री, ठीक, ये जो आप सबसे बाहर बाउंड्री देख पा रहे हो ये, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग? इस बाउंड्री को हमने नाम दिया है वेदिका, ठीक है। बाउंड्री का नाम क्या है? द आउटर मोस्ट बाउंड्री, दैट इज वेदिका, ठीक। द आउटर मोस्ट बाउंड्री इज वेदिका। देन देर इज अ गेट, ओके, देर इज अ गेट, अगर आप देख पा रहे हो यहां पे, सो दिस इज अ गेट, और इस गेट को एक नाम दिया गया है। क्या नाम है इस गेट का? तोरण, टी ओ आर ए एन ए, तोरण, ठीक। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री दैट इज वेदिका, द गेट इट इज नोन एज तोरण। फिर अंदर की एक बाउंड्री, ओके, एक आउटर बाउंड्री, एक इनर बाउंड्री। इनर बाउंड्री जो है उसका नाम क्या है? मेधी, ओके, दिस इज द आउटर बाउंड्री, दिस इज द इनर बाउंड्री, ठीक। द आउटर बाउंड्री इज नोन एज वेदिका, वेयर एज द इनर बाउंड्री इट्स नोन एज व्हाट? इट्स नोन एज मेधी, एम ई डी एच आई, ओके। आउटर बाउंड्री वेदिका, इनर बाउंड्री मेधी, ठीक। अब जहां पर मेन देवी, जहां पर जो मतलब बुद्धा का जहां पर जो मेन स्कल्पचर रखा गया है, उसे जिस हॉल के नीचे रखा गया है वो क्या है? ऐसा ये एग शेप में आपको दिख रहा होगा, तो इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है अंडा, ओके, व्हाट इज दिस? अंडा, ओके। जैसे कि गर्भगृह देखा था आपने हिंदू टेंपल में, तो वैसे ही बुद्धिस्ट टेंपल, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंदर स्तूपा के अंदर क्या मिलेगा हमें? अंडा। सो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर अंडा इज इक्वल टू हिंदू आर्किटेक्चर गर्भगृह, ठीक। फिर अब देखो हमारा ये जो मेधी है और ये जो अंडा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ कुछ गैप्स हैं, तो गैप्स को हम क्या बोलेंगे? प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, ओके गाइस, क्लियर? सो दिस इज व्हाट? प्रदक्षिणा पथ, ओके, गैप। ये जो बाउंड्री से अंडे के बीच का जो गैप है वो है प्रदक्षिणा पथ, और ये जो वेदिका से मेधी के बीच का जो गैप है, गैप एरिया, ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रदक्षिण पथ, ओके एवरीवन। सो प्लीज अंडरस्टैंड, वेदिका आउटर मोस्ट बाउंड्री, मेधी इनर मोस्ट बाउंड्री, दोनों के बीच के गैप को, दैट इज वेदिका और मेधी के बीच के गैप को क्या बोलेंगे? प्रदक्षिण पथ, और मेधी और अंडे के बीच के गैप को क्या बोलेंगे? प्रदक्षिण पथ। बाहर का जो गेट है उसका क्या नाम है? तोरण, ठीक। अब जैसे कि आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, दैट इज वी हैड दिस अमलक, अमलक एंड कलश ऑन द हिंदू टेम्पल्स, ओके, अमलक एंड कलश ऑन द हिंदू टेम्पल्स। सो उसी तरीके से यहां पे हमारे पास जो है, अगर आप देख सकते हो तो कलश की जगह यहां पे है छत्र, ओके, अपार्ट फ्रॉम कलश, दिस इज समथिंग नोन एज कलश इन हिंदू आर्किटेक्चर, बट इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इट इज छत्र, ठीक। अब जो अमलक था वहां पे डिस्क शेप, राउंड डिस्क शेप जो अमलक था, यहां पे ये स्क्वायर शेप हर्मिका है। क्या है? हर्मिका, ओके एवरीवन। सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक बार और वापस से याद रखना इन सब को, बहुत 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 जरूरी, सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों को याद करना, ठीक। सो What is the point here? Outer most boundary, Vedika. ठीक? Inner boundary, Medhi. Inner boundary यानी कि Medhi और outer boundary यानी कि Vedika के बीच का जो gap है उसको क्या बोलेंगे? प्रदक्षिणा पथ, ठीक। जो Medhi और अंडे के बीच का जो gap है, that is this particular structure, okay? उसके gap को क्या बोलेंगे? Once again, प्रदक्षिणा पथ। फिर उसके बाद से जो यहां पे कलश है उसका नाम क्या है? छत्र, टॉप पे है, छत पे, छत्र, ठीक। और उसके बाद से जो यहां पे अमलक है, इट इज नॉट स्क्वायर, इट इज नॉट सर्कल, इट इज स्क्वायर, ओके, क्या नाम है इसका? हर्मिका, ठीक है।
नाउ यू गाइस कैन कमेंट, बहुत देर से उंगलियां थरथरा रही होंगी तुम लोग की, कमेंट नहीं करने को मिल रहा है, ठीक है। चलो, दोनों के बीच के स्पेस को प्रोडक्शन पाथ ही बोलेंगे। यस अंश, कम ऑन गाइस, ऑल क्लियर नाउ, एवरीवन सॉर्टेड, व्हाट इज प्रोडक्शन पाथ, व्हाट इज दिस अंडा, व्हाट इज हर्मिका, व्हाट इज मेदी, मेदी एंड ऑल, ओके, छत्र, वेदिका, तोरण, ऑल क्लियर, समझ आ गया, नोटेड एज वेल, क्या बात है। ओके ओके गाइस, सो आई गेस ऑल दिस इज फाइन, ठीक है। सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, तो याद रखना। तोरण, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये जो द्रविड़ा आर्किटेक्चर होगा, वहां पर हम देखेंगे कि एक गोपुरम बनता है। द्रविड़ा आर्किटेक्चर बोले तो साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, वहां पर बनेगा एक मेन गेट, ठीक है, मेन गेट, नॉट द डोर, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन गेट, जिसका नाम क्या होगा, गोपुरम। कितने गोपुरम होंगे एक मंदिर में, एक, एक मंदिर का जो गेट होगा, ऑब्वियसली मेन गेट, मेन गेट बोले तो एक ही गेट होता है, ठीक, तो गेट जो है वो एक होगा गोपुरम में। लेकिन अगर हम बात करेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंदर, अगर हम बात करेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंदर, तो अगर आप देख सकते हो, यू गॉट फोर तोरण्स, दैट इज ऑन ईच एंड एवरी साइड्स, ऑन ईच एंड एवरी डायरेक्शन, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। आपको कितने तोरण दिखाई दे रहे हैं, आपको यहां पे एक, दो, तीन और चार तोरण दिखाई देंगे, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर देयर आर एटलीस्ट फोर तोरण्स इन दी स्तूपास, दैट इज इन दी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो जब बात आएगी गोपुरम की, टेंपल के मेन गेट की, मेन गेट एंट्रेंस की, सो इट इज ऑलवेज वन व्हेन इट्स द्रविड़ आर्किटेक्चर, बट व्हेन इट कम्स टू द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ओके, यू हैव गॉट फोर मेन गेट्स। व्हाट इज दीज फोर मेन गेट्स, तोरण, ठीक। ये थोड़ा, ये जितना भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना, ये आपको याद रखना है, बहुत बहुत जरूरी है, डिफरेंसिएशन को लेकर काफी क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं, ओके। हमने इसकी पिक्चर बना ली है, क्या बात है, तोरण का स्पेसिफिक नंबर चार तोरण्स, ओके ओके गाइस, सो प्लीज डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, बड़े मजेदार पॉइंट्स हैं, मुझे उम्मीद है आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। पूरा याद हो गया, क्या बात है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, सो व्हेन वी गो मूव टू द नेक्स्ट वन, ओके, तो जब हम स्तूपा से निकल कर जब हम बात करेंगे विहार्स की, ओके, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दोस पॉइंट्स एज वेल। सो विहार्स, बुद्धा स्तूपा के बाद विहार, ठीक है। तो अगर आप जैसे दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में कहीं रहते हो तो आपको पता होगा काफी नाम है यहां पे, ठीक है, निर्माण विहार, मयूर विहार, ऐसे करके, ठीक। तो विहार, विहार बोले तो क्या, सम सेक्रेट प्लेस वेयर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज्ड टू लिव, ओके। सो विहार, विहार और मोनास्ट्रीज वर ड्वेलिंग प्लेस, सॉरी ड्वेलिंग प्लेस फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। द टर्म इज ऑल्सो फाउंड इन आजीविका, हिंदू एंड जैन मोनास्टिक लिटरेचर। सो गाइस प्लीज रिमेंबर, the term vihar is not just marginalized or not just boundary to the buddhist architecture, okay, it can also be, this name can also be traced in hindu and jain architecture. ye jo naam hai vihar, ye jain, hindu aur buddhist tino architectures mein liya gaya hai, please ye point likh le star bana ke, theek। to kaisa, abhi dekho mere ko na star banana bahut acche se aata hai, isliye main star bana sakta hu, ओके, बस बन जाए, कहां गया पेन, ये रहा। सो गाइस जस्ट प्लीज नोट डाउन दैट, एक स्टार बना लो आप ऐसा कुछ, ठीक। अब ये मेरी सबसे बेहतरीन ड्राइंग है, इसका देखो प्लीज, मजाक नहीं उड़ाना, ठीक।
तो ऐसा ये स्टार बनाकर लिख लो कि ये जो अपना वर्ड है, बोले तो विहार, ठीक, ये हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों लिटरेचर में पाया जाता है। और उसके साथ ही साथ इसका जो हम बात करते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की, तो उसमें लिटरेचर की, तो किस लिटरेचर में पाया गया है? आजीविका में, ठीक। स्पेसिफिकली इन बुद्धिस्ट इट्स इन आजीविका, बट दैट डजंट मीन्स विहार वर्ड, द टर्म कॉन्सेप्ट, दैट इज अ प्लेस वेयर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स दे यूज टू लिव, दैट इज मॉन्क्स वेयर दे यूज टू लिव। इसको हिंदू और जैन लिटरेचर के अंदर भी लिखा गया है। ओके एवरीवन, क्लियर? हेलो सर, गुड आफ्टरनून, बहुत देर हो गया गुड आफ्टरनून में। आज सर मेरी क्वेरीज नहीं देख पा रहे। प्रगति, मैंने आपका क्वेरी वाला स्टेटमेंट तो देख लिया, क्वेरी क्या है? दो प्रोडक्शन पाथ, हाँ जी दो प्रोडक्शन पाथ, ओके। फर्स्ट वन इन द फर्स्ट वन बिटवीन द गैप ऑफ वेदिका एंड दिस मेधी, ओके, एंड अनदर वन बिटवीन द गैप ऑफ मेधी एंड अंडा, ठीक। ओके गाइस, हेलो सर, आई एम न्यू, मोस्ट वेलकम आशीष। सर मेरी बात मजनू भाई से हुई थी आपकी पेंटिंग के ऑक्शन के लिए। नहीं यार, हम अपनी कला का व्यापार नहीं करेंगे, ओके, नो ट्रेड विथ रिगार्ड टू द आर्टिस्टिक टैलेंट वी हैव, उसका हमारे पास ही रहने दो। इसीलिए तो यार मैं जो है ना मूवीज वूवीज में काम नहीं करता हूँ, यू नो ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए गाने भी नहीं लिखता, कुछ राइटिंग वाइटिंग सब छोड़ रखा है, इसलिए नो ट्रेड फॉर आर्टिस्ट, राइट। चलो, सो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। अब उसके बाद से देखो दूसरा, दिस इज पर्टिकुलरली यूजुअली रेफरिंग टू अ टेम्पररी रेफ्यूज फॉर वॉन्डरिंग मॉन्क्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ओके। ये जो विहार हैं ये हर जगह बना दिए जाते थे, जिस तरीके से आपने मिडिवल हिस्ट्री के अंदर, मोस्ट प्रॉब्ली अभी शायद आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आप पढ़ोगे मिडिवल हिस्ट्री के अंदर द वर्ड सराय, जैसे आपको मैं रिलेट करवा देता हूं यहां पे, आप एक वर्ड पढ़ोगे मुगल एम्पायर के दौरान सराय बनाए जाते थे, नॉट जस्ट मुगल एम्पायर, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर एंड ऑल, क्या बनाते थे? सराय। ये जो सराय होते थे, ओके, एस ए आर ए आई, ओके, एस ए आर ए आई, ये सराय होते क्या थे? जो सैलानी होते थे, मतलब बोले तो जो टूरिस्ट होते थे, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे होते हैं, उनके लिए रास्ते में, उस टाइम में होटल्स मोटेल्स वाला सीन तो था नहीं कि भाई रास्ते में जा रहे हैं दिल्ली से चंडीगढ़, रास्ते में पड़ गए अमरीक सुखदेव, ऐसा बढ़िया कुछ पराठे वराठे मुरथल है ना, चाय वाय खा पी के चलते हैं आगे, नहीं उस टाइम तो ऐसा होता नहीं था, ठीक। अभी कैसा, अभी ये सब चीजें ना, तो उस टाइम क्या बनते थे? सराय। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ रेलवे स्टेशन इन इंडिया नोन एज मुगल सराय, सॉरी क्या नाम बदल दिया ना उसका, वो दूसरा मदन मोहन मालवीय रेलवे स्टेशन, मुगल सराय नहीं बोलना, ठीक। सो मुगल ये सराय, ओके, सराय बोले तो रेस्टिंग प्लेस फॉर दी ट्रैवलर्स। सो उसी तरीके से जो बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स होते थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, उनके रहने के लिए अलग अलग जगह पे क्या बनाया जाता था? विहार, ओके। सो जस्ट रिलेट दिस थिंग गाइस, दैट विहार्स दे आर इक्वल टू सराइज, ठीक है? ओके गाइस, क्लियर? सराय, विहार एंड ऑल नोटेड? यस सर, सराय काले खान, एब्सोल्युटली, चलो परफेक्ट। एक सौ आठ किलोमीटर जहां पूरे होते थे वहां सराय बनते थे, एब्सोल्युटली, ओके। सो अगला का पॉइंट देखो, These monastic buildings carved out of rocks or built of bricks were self-contained units and had a chaitya hall attached to it with a stupa, the chief object of worship. अब इसमें होता क्या था? ये जो buildings होती थी, okay? How what you have to note down? Please understand this point. These monastic buildings carved out of rocks, ठीक है? Obviously पत्थरों को काट के इनको बनाया जाता था। फिर और बिल्ट विथ ब्रिक्स वर सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स एंड हैड अ चैत्य। तो सिंपल शब्दों में लिखने का मतलब यह है, डज विहार्स दे डू पोजेस्ट द चैत्य, दैट इज द प्रेइंग हॉल, क्या विहार के अंदर चैत्य होता था? ओके, यस, चैत्य होता था, यानी कि प्रेयर हॉल होता था, साथ ही साथ वहां पर अंदर एक छोटा सा स्तूपा भी होता था, ठीक। सो सिंपली आप एक नाम लिख लीजिए, सिंपल, ओके, क्या है? विहार, विहार के अंदर चैत्य होता था
और चैत्य के अंदर स्तूपा भी होता था, कहानी खत्म। सो विहार इट पोजेस्ड ऑफ चैत्य एज वेल एज अ स्तूपा। व्हाट इज चैत्य? दिस इज द प्रेइंग हॉल। ओके, नोट इट, सिंपल है, डिफिकल्ट लग रहा है किसी को? एनीवन? चैत्य हॉल अटैच्ड विद स्तूपा, चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। यस सर, सर आप बियर्ड में स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बियर्ड से ज्यादा ना ये इंपॉर्टेंट है, ये तो घर की खेती, आज है कल नहीं, क्या भरोसा। ठीक है, चलो। सो विहार्स वर कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रिक और एक्सकेवेटेड फ्रॉम रॉक्स, यूजुअली बिल्ट टू अ सेट प्लान। दे हैव अ हॉल मेंट फॉर कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर्स with an open courtyard surrounded by a row of cells and a pillared veranda in front. Okay, pillared veranda in front. The hall has one or more entrances. The cells served as dwelling places for the monks and each cell had a door and one or two stone platforms serve as a bed. अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है, बहुत शांति से समझ लेते हैं। एक पैराग्राफ में कम से कम 5 क्वेश्चंस छुपे हैं। ओके, इस एक पैराग्राफ में कम से कम जो है कुछ नहीं तो 5 क्वेश्चंस छुपे हैं। हाँ, बियर्ड पे नहीं, बोर्ड पे ध्यान दें। ओके सर, वंस मोर प्लीज। ऐसा तुम लोग वंस मोर बोलते हो, मेरे को लगता है कॉन्सर्ट में आए हो। कह रहे क्या, चल के मतलब वंस मोर क्या, कैसा शायरी वायरी सुना दी, तालियां वालियां हो गई, वाह वाह भाई, वंस मोर ऐसा रैप वैप सुना दिया कुछ गाना वाना, वंस मोर। अरे वंस मोर नहीं चलेगा रे, ऐसे बोलो सर, यो तुरंत याद आ जाता है कि सर चले गए हम लोग वहाँ कॉन्सर्ट में। ठीक है, वंस मोर मतलब क्या? ओके, वंस मोर किसको बोलूँ मैं, किस पॉइंट को, जरा वो पॉइंट का नाम भी बता दो फिर इसी बात पे। ठीक है, चलो भैया तुम लोग तो बियर्ड पे रिसर्च करने बैठ गए, तो भाई जो भी वंस मोर कह रहा था आप जरा प्लीज मुझे सर्टिफाई क्लियर दें, थोड़ा क्लेरिफाई कर दें, वो वंस मोर कौन से टॉपिक पे बोलूं मैं, मतलब विहार पे बोलूं, स्तूपा पे बोलूं, विहार के अंदर अभी जो पॉइंट्स बोला उस पे बोलूं, जरा वो क्लियर कर दो ना यार। ऐसा कॉन्सर्ट में नहीं हूं ना मैं कोई रॉकस्टार हूं, ठीक है, जहाँ मैं आपको ऐसा गिटार विटार लगा, वो अलग बात है कि मैं रॉकस्टार हूँ, मेरे को गिटार विटार बजाने आता है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो कॉन्सर्ट नहीं चल रहा है ना। वो कभी आना, आओ कभी हवेली पे, करते हैं कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अभी हम क्लासरूम में हैं। ठीक, तो चलो अभी जो भी कमेंट किया था वंस मोर, वो पॉइंट बता दे कौन सा, उसको मैं वंस मोर रिपीट कर दूंगा, लेकिन जरा विहार वाली कहानी देख लो। ठीक है, जरा विहार से भी हम लोग थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। सो कंस्ट्रक्टेड विद अ ब्रिक और एक्सकेवेटेड फ्रॉम रॉक्स, चलो बहुत नॉर्मल सी बात है। बट अब इसमें दूसरा पॉइंट जो आपने शायद मिस कर दिया, बहुत सी चीजें, लेकिन कोई नहीं, मिस नहीं करो, स्टार बना के लिख लेना। ओके, सो दे यूजुअली हैड अ हॉल मेंट फॉर कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर। ठीक है, उनके पास एक हॉल होता था जो मंडली प्रार्थना के लिए इस्तेमाल होता था, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर प्रेयर करते थे। ओके, कॉन्ग्रेशनल प्रेयर, तो एक हॉल होता था इन विहार्स के अंदर लाइक चैत्य। ठीक, अब उसकी दूसरी कहानी, विथ एन ओपन कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ रो ऑफ सेल्स एंड पिलर्ड वरांडा इन द फ्रंट। एक बाहर एक खुला मैदान होता था, ठीक है, एक वरांडा टाइप का, जिसमें चारों तरफ पिलर्स लगे होते थे। ठीक, एक बाहर मैदान होता था, खुला एक एरिया। ये तो थोड़ा सा देखो, ये जो आर्किटेक्चर है तो थोड़ा सा काफी टूट वगैरह गया, पुराना हो गया, तो इसमें एक्चुअली क्लियर हमें समझ में नहीं आएगा, बट वन लाइनर्स में आप लिख लें, इट हैड अ वरांडा, ओके, विच वॉज हैविंग पिलर्स फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स। ओके, सो प्लीज नोट डाउन, एन ओपन कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ रो ऑफ सेल्स एंड पिलर्ड वरांडा, पिलर्ड वरांडा दैट इज ऑल 4 साइड्स, मतलब यानी कि कम से कम 4 पिलर्स होते थे। ठीक, द हॉल हैज वन और मोर एंट्रेंसेस, वो जो हॉल होता था उसमें एक या एक से ज्यादा एंट्रेंसेस भी हो सकते थे। ओके, वन या वन और मोर एंट्रेंसेस। देन नेक्स्ट, द सेल्स सर्व्ड एज द ड्वेलिंग प्लेसेस फॉर द मॉन्क्स, बोले तो ये इनका आराम करने के लिए कमरा होता था, ये जो छोटे छोटे सेल्स बनते थे, दे यूज टू बी देयर लाइक स्लीप, लाइक यू कैन कॉल देम बेडरूम, ओके, जहां पे वो सोते थे। फिर ईच सेल हैड अ डोर फॉर श्योर एंड वन और टू स्टोन प्लेटफॉर्म्स टू सर्व एज
बेड्स. अब मॉन्क्स क्या बोलोगे सर? स्टोन प्लेटफॉर्म. भाई मॉन्क्स हैं ठीक, तो मॉन्क्स के लिए क्या स्टोन, क्या मखमल है ना, क्या कंबल, क्या कुछ. सो गाइस प्लीज गाइस नोट द पॉइंट्स. एंट्रेंसेस होते थे, एक या एक से ज्यादा एंट्रेंसेस हो सकते थे. कोर्टयार्ड बोले तो बाहर एक बरामदा होता था, बरामदे में चारों साइड्स क्या लगे होते थे? पिलर. तो मिनिमम कितने पिलर होते थे? 4 पिलर. ठीक है, ऑल क्लियर गाइस एवरीवन? ही इज आस्किंग अबाउट बिहार. ओके चलो, रॉकस्टार एक ही चीज पर रुक जाओ. ओपरा सुनने आए हैं सर. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क, गिव एग्जांपल. अरे यार तुम लोग जो हो ना, सीधा कैसा पहला गियर लगाते हो उसके बाद से चौथे गियर पे चले जाते हो. अरे ऐसे गाड़ी खराब हो जाएगी रे, आराम आराम चलो बाबा. बाबू मशाई ऐसा नहीं चलने का ना, थोड़ा आराम आराम ना, सिंपल. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क, अरे पहले थ्योरी तो समझ लो. क्वेश्चन की बातें एप्लीकेशन पर करते हैं कितनी बार बताऊं यार, एक ही चीज हर जगह रिपीट करना बार बार अच्छा नहीं लगता. गाइज एमसीक्यू सेशंस दे आर ऑन योर एप्लीकेशन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो फॉर श्योर. ठीक है, सो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं. अब अगर आप वापस से वही सेम पॉइंट बार बार करोगे तो अच्छी बात नहीं है. या तो आप फिर ग्रुप पे एक्टिव रहा करो अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां पे देखा करो कि कब क्या कौन सी क्लास का जो है लिंक भेजा गया है. आपको मैं भेजता हूं वहां पे आपको एमसीक्यूज. अब सबको ऐसा लगता है कि यार हमें तो सब पता है. अब उस क्लास में ना आपको ऐसा लगता है कि यार एमसीक्यूज क्या ही डिस्कस कर लेंगे, हम तो न्यूटन है, न्यूटन के फूफा लगते हैं हम, आइंस्टाइन के चचा, इन सबको हम ही तो ट्यूशन पढ़ाते थे, तो हमें तो जरूरत नहीं है. बाद में फिर यहां पे पूछेंगे सर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. यार किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहां बताया है, बताया क्या है, पूरा रिसर्च किया है उस पर. ठीक है, तो प्लीज वहां धीमे आ जाएं, धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे चलिए. ऑब्वियसली यार जहां पर भी विहार होगा ना विकास, वहां पर ये कोर्टयार्ड्स वगैरह होंगे. ठीक है, फॉर श्योर सर. दिल्ली में जितने भी विहार है वो यहीं से आए हैं, एब्सोल्युटली नाम यहीं से डाल दिया गया है. अब उनका यहां पर कोई एग्जिस्टेंस हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट नाम तो यहीं से डाला गया. ठीक है, ओके गाइस ऑल क्लियर. चलो सर आपकी प्लेलिस्ट दीजिए दिव्यानी, आप प्लीज यूपीएससी 101 पे जाइए, वहां पर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए. आपको आर्ट एंड कल्चर आईआर जो भी स्पेशल सेशंस लिए गए हैं वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेगी. ओके सर, सबके घर पोस्ट करना पड़ेगा क्लास की लिंक. भाई सॉरी वो नहीं हो पाएगा. ओके ओके गाइस, सर आई हैव लिटिल डाउट इन लाइन विद एन ओपन कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ रो ऑफ सेल्स. ओपन कोर्टयार्ड बोले तो खुला मैदान, खुला एक मतलब वरांदा टाइप का एरिया जिसके अगल बगल छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं. ठीक है, जिसके अगल बगल छोटे छोटे कमरे बनाए गए, जैसे आपने रिजॉर्ट देखा होगा. रिजॉर्ट में आप क्या देखते हैं? बीच में पूल है, इधर गार्डन है, लॉन है वगैरह वगैरह, और उसके साइड साइड छोटे छोटे कमरे बना दिए जाते हैं. बस सेम एग्जैक्टली. ठीक है, नाउ ऑल सॉर्टेड. ओके वेरी गुड. चलो तो ये चीजें भाई याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई उसमें ऐसा टेंशन लेने वाली चीज नहीं है. तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टेंपल आर्किटेक्चर की तरफ जिसका नाम है जैन टेंपल्स. ओके सो द नेक्स्ट पॉइंट फॉर टुडे दैट इज आफ्टर बुद्धिस्ट टेंपल. बुद्धिस्ट टेंपल आर्किटेक्चर में इतना ही काफी है. ओके स्तूपाज और विहार ये दो चीजें हमने देखी हैं. स्तंभ जो है यानी कि जो भी पिलर्स वगैरह बने हैं उनको हम आगे अपने डालेंगे द नेशनल हेरिटेज सेक्टर के अंदर. एक चैप्टर हमारे साथ हमारे आर्ट एंड कल्चर के अंदर आएगा द हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. तो उसमें जितने भी पिलर्स हैं बने हुए गुप्ता पीरियड के टाइम, मॉडर्न पीरियड्स के टाइम, इन सबको डिस्कस करेंगे, नॉट नाउ, क्योंकि इनका रिलेवेंस अभी यहां पे उतना नहीं है जितना उस पर्टिकुलर चैप्टर में है. ठीक, सो मूविंग टू द पॉइंट हियर विद रिगार्ड टू द जैन टेंपल्स. सो जैन आर्किटेक्चर डेवलप्ड लार्जली एज एन ऑफशूट ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टाइल्स. इट कैन नॉट बी अक्रेडिटेड विद अ स्टाइल ऑफ इट्स ओन. Compared to the number of Hindu temples in India,
Jain temples are few and spaced out. The regional styles of Jain architecture are easily distinguishable in different parts of the country. Okay, so Jain vastukala jo hai, wo kafi had tak Hindu aur Bodh shailiyon ki ek shakha hi hai. ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है. लेट्स से फॉर एग्जांपल हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर के अंदर, ओके, इन द हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर व्हाट वी हैव सीन. सो आपको पता होगा, याद होगा. सो इट वाज द्रविड़ा प्लस नगाड़ा इज इक्वल टू वेसारा. रिमेंबर द्रविड़ा टेंपल्स दैट इज साउथ इंडियन टेंपल्स, ओके, साउथ इंडियन टेंपल्स प्लस नगाड़ा टेंपल्स दैट इज नॉर्थ इंडियन टेंपल्स वॉज इक्वल टू वेसारा. That is the hybrid of both the temples. That is Dravida plus Nagara. दोनों का mixture. ठीक है, Vesara temples. Okay? So, उसी तरीके से जो Jain temples हैं, it has got the combination of both the architectural styles, that is Hindu and Buddhist. So, you can just note down one simple line that Hindu plus Buddh. Okay? Hindu plus Buddh architecture is equal to जैन आर्किटेक्चर. ओके, सो ये उसी से जैन आर्किटेक्चर जो है हिंदुइज्म और बुद्धिज्म वाले आर्किटेक्चर से निकला हुआ एक अलग आर्किटेक्चर नहीं है, उसी का एक ऑफशूट है, बोले तो उसी का एक ब्रांच है, पार्ट है. ठीक है, नोटेड, परफेक्ट. अच्छा, आप लोगों ने ना फिर से शुरू कर दिया है आज. अभी आई एम गोइंग टू स्लीप. हाँ, आप सो ही जाएं, क्या बहुत देर से पढ़ाई तो नहीं कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ आपको काफ़ी टाइम से. चलो, ओके गाइज, इफ यू आर स्टिल यू नो ऑप्टिंग टू गो ऑन फॉर द पर्सनल चैट्स इन हेयर, सो दैट्स नॉट गुड. ओके, चांद अब्बास जाने दो प्लीज, किसी को टैग मत करो यार, छोड़ दो. ठीक है, ओके, सो जैन आर्किटेक्चर इट इज हिंदू प्लस बुद्धिस्ट स्टाइल्स. फिर उसके बाद से समझ लेना, सिंपली अगर कभी पूछा जाए कि दिस इज पर्टिकुलरली एक्स वाई जेड थ्योरी ऑफ जैन आर्किटेक्चर, सो रिमेंबर इट हैड नॉट गेन्ड एनी स्पेसिफिक आर्किटेक्चर, उसका कोई अलग आर्किटेक्चर नहीं है. हिंदू प्लस जैन टेम्पल्स को ही मिला, हिंदू प्लस बुद्धिस्ट टेम्पल्स को ही मिलाकर हमारा जैन टेम्पल तैयार होता है. ठीक, ओके, सो प्लीज रिमेंबर जैन टेम्पल्स उतने ज्यादा अमाउंट में, उतने ज्यादा फिगर्स में नहीं है, और बहुत अलग अलग जगह पर कहीं कहीं है. ठीक है, हर जगह पर नहीं है, कहीं कहीं है, बहुत दूर दूर फैले हुए, लेकिन हाँ हैं जरूर. ठीक है, ऐसा नहीं कि है नहीं, हैं जरूर, वो तो फॉर श्योर. ठीक, सो अर्ली जैन टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज मोस्टली रॉक कट एंड ब्रिक्स वर हार्डली यूज्ड, एंड इन लेटर ईयर्स However, brick temples were constructed in a large scale. At the same time, they also deviated from the Hindu and Buddhist sites to build their own. अब देखो यहाँ पर prelims specific कुछ points लिखे हैं जो आप generally miss out कर जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि एक लिखा क्या है, समझ में नहीं आया है, इसमें याद क्या करना है ये समझ में नहीं आया. तो please remember earlier, देखो दो phases बताए गए हैं, early phase बोले तो शुरुआती दौर, okay? एक होता है अर्ली फेज और एक होता है लेटर. ठीक, अर्ली एंड लेटर. तो अर्ली फेज में हमने क्या देखा है, जैन टेंपल्स वाज मोस्टली रॉक कट्स एंड ब्रिक्स वर हार्डली यूज्ड, मतलब सिंपली इन अर्ली फेजेस में पत्थरों को काट के बनाया जाता था, रॉक कट. ठीक, इन अर्ली फेज इट वॉज जनरली रॉक कट, ब्रिक्स का इस्तेमाल मुश्किल से होता था. ठीक है, बट लेटर, इन लेटर ईयर्स ब्रिक टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन लार्ज स्केल्स. ठीक, रॉक कट के अलावा हम जो है लेटर ऑन ब्रिक्स का यानी कि ईटों का भी इस्तेमाल करने लग गए. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर गाइस, द जैन टेम्पल्स टू फेजेस, अर्ली एंड लेटर. अर्ली में यानी कि शुरुआती दिनों में सिर्फ और सिर्फ पत्थरों को काट के बनाया जाता था, लेकिन बाद के दिनों में बोले तो लेटर, ठीक है, इसको इसमें ब्रिक्स का इस्तेमाल भी किया जाने लगा. ठीक है, ओके एवरीवन, बुद्धिज्म आफ्टर जैनिज्म.
ओके गाइस, ऑल क्लियर और नॉट? क्लियर है? ओके ओके गाइस, सो प्लीज डू रिमेंबर दीज पॉइंट्स. ओके, सो अभी जैन टेम्पल्स पे कुछ बातचीत और करनी है हमें, लेकिन उसे आज नहीं करेंगे. आज का हमारा जो सेशन है उसको हम यहीं पर रोकेंगे. ठीक है, आप लोग जो है आजकल पर्सनल बातचीत करने में ज़्यादा लग जाते हैं कभी कभी बीच में, विच इज़ नॉट गुड. ओके, प्लीज़ ध्यान रखें यार, ऐसा कुछ ना हो तो अच्छा है. क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो जब टू बी वेरी ऑनेस्ट देखो, जो वायरसेस जो आते हैं, देखो उनका तो काम कर दिया गया है. ठीक है, अब तो वो बहुत रेयरली दिख रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनको कहां से कैसे ट्रेस कर लिया गया और कितना उनको जो है अभी आगे उनके साथ क्या क्या हो सकता है. उनको तो ये बात अभिषेक सर ने भी बताई दी है कि 5 मिनट लगेगा आप खाली आपके घर के एड्रेस तक पहुंचने में. यू आर 100% ट्रेस. तो जो वायरसेस वगैरह आते हैं देखो, उनके लिए तो हम क्या करें. लेकिन अगर आप जनरल नॉर्मल स्टूडेंट होने के बाद ऐसा करते हो ना, तब फिर सोचो आपके साथ क्या हो सकता है. आप काम नॉर्मल कर रहे होगे, आप बस क्लास में ना पढ़ाई की जगह बातचीत कर रहे होगे, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको उन वायरसेस के साथ जोड़ दीजिए. आपको पता ही है अभी किस किस टाइप के लोग आ रहे थे, क्या क्या कमेंट कर रहे थे. ठीक, तो अब उनके साथ क्या हुआ, अभिषेक सर ने आपको बताया ही होगा. ठीक है, नहीं बताया तो हो सकता है अपनी आज की क्लासेस में बताएं वो. ठीक है, आऊंगा मैं अभी, मिलूंगा उनसे. ठीक, तो प्लीज गाइस रिमेंबर यार, ऐसा मत करना. वो क्या है ना, पूरा फ्लो आपका और अपनी पूरी क्लास का बिगाड़ देते हो. जो पढ़ेगा नहीं वो यही तो करता यही करता रह जाएगा. ओके, हम नहीं करते सर. देखो मैं किसी को इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूं यार, मैं आप में से किसी को नहीं बोल रहा हूं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो करते हैं. ठीक है, तो अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, अगर उसके बाद भी करते हो तो यार फिर क्या ही बताना, किसको बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को स्टूडेंट बोल के. खुद को, घर परिवार वालों को, मां बाप को, किसको जबरदस्ती के सपने दिखा रहे हो. ठीक है, तो ऐसा ना करें, आपके लिए अच्छा है. करेंगे तो जाने दो भाई, करो, अब क्या ही कर सकते हैं. ठीक है, अब फिर उसके आगे का जो खामियाजा है वो आप फिर अब आपकी जिम्मेदारी होगी फिर, और क्या. ठीक है, सो प्लीज गाइज डोंट डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट. अगर आप एक वायरस, और आपको पता है कि अरे नहीं, हम तो भाई वो सोलर विंड वाले वायरस हैं, हमें ट्रैक नहीं किया जा सकता, हम तो वो डार्क वर्ल्ड वाले हैं, हमें भी नहीं, हम तो जो है अपना जो कॉलोनियल पाइपलाइन थी हम उसको जो है हैक कर लेंगे, हमें कौन ट्रेस करेगा. तो भैया स्पाइडर नाम का भी हैकर है हमारे पास. ठीक है, वो भी हैक कर लेता था सब चीज़ों, ट्रेस ट्रेस कर लेता था. तो जाने दो, प्लीज ऐसा ना करें. ओके, बी सीरियस इफ यू आर, एंड इफ यू आर नॉट देन डेटा बचाओ. ओके, देन डेटा बचाओ और कहीं और जाओ. ठीक है, यहां मत लगाओ. ठीक है, आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल दो. अरे छोड़ो यार. यस एब्सोल्युटली, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी इंडिविजुअल, आई एम टारगेटिंग दोज गाइज, दोज हु आर कमिंग हियर. ओके, जस्ट टू स्प्रेड न्यूसेंस. ये क्योंकि मुझे पता है ये वायरस नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती बात करते हैं. ओके, यस सर, वी अंडरस्टैंड. ओके सर, डिफरेंट धर्म के टेंपल क्यों बनाए जाते थे? देखो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है. ठीक है, अब इसका क्या जवाब दूं यार मैं. डिफरेंट धर्म है तो उनका मंदिर बनेगा ही बनेगा, ऑब्वियसली. अब यार अब बोलोगे सर डिफरेंट अलग अलग दालें क्यों बनाई जाती हैं, काली दाल, पीली दाल, मसाला दाल, तड़का दाल. अब क्या बताएं यार, अब हैं तो बन रही हैं, अलग अलग धर्म है, सबके मंदिर अलग अलग बन रहे हैं. गुड क्वेश्चन, और स्टॉप कॉपी पेस्ट प्लीज. ठीक है, सर प्लीज आंसर द क्वेश्चन. कमल यार तुमको ऐसा क्यों लगता है, मेरे को क्वेश्चन तुम्हारा सामने ही दिख रहा है. हाउ कैन आई आंसर योर क्वेश्चन, प्लीज क्वेश्चन जरा सामने डाल दो. ओके चलो, किंग खान अलग लगे हुए हैं, बहुत खूब. किंग खान नाम रख देने से ना कोई किंग खान नहीं हो जाता. किंग खान कैसे बना है उसको पहले देख लो. सर सुमित सर की क्लास कब से होगी? डियर शुभम, आई हैव लिटरली नो आइडिया डियर. ओके चलो, तो समझ रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है. नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर गुड अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. ओके चलो, आप लोग अपने जो क्या था इंटेंशन उसमें सक्सेसफुल रहे, लेकिन आज आप पहली बार सक्सेसफुल हुए हैं. डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम यू कम ओके विद दिस नॉनसेंस थिंग, आई अश्योर यू समथिंग,
दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टे एट योर एड्रेस. ठीक है, चलो गाइस, तो अभी के लिए इतना ही. शाम को मुलाकात करेंगे 7 बजे अपने IR शो के अंदर. तो अभी प्लीज गो अहेड एंड कंटिन्यू विद द क्लासेस. गो अहेड विद अ गुड जॉब, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क फॉर श्योर. सो इन इवनिंग 7 PM. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.